आज हम गर्ल स्टॉक बनाएंगे। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाला पैटर्न, हम इस पैटर्न में इस टॉप को बनाएंगे। सेम पैटर्न रहेगा लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो पोटली बटन है इन्हें हम यूज करेंगे और कपड़ा भी हमारा वही लियोन का है, सेम कपड़ा है लेकिन कलर थोड़ा चेंज है। और वही हम जो स्टॉक में बताया है ये लेस, वही लेस यूज करेंगे। तो सेम पैटर्न से हम इस टॉप को बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अनीता ट्यूटोरियल क्लासेस को। सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसको हम खोल लेंगे। इस तरीके से लंबाई में मैंने इसे डबल में फोल्ड कर लिया है। जो ओपन साइड है वो हमारी इधर है और जो फोल्डिंग साइड है वो मेरी तरफ है। अब हम इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी 4 फोल्ड कर लेंगे इसे। इस तरीके से जो टॉपर हम बना रहे हैं उसका टॉप भाग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉप भाग की लंबाई लगा लेते हैं। इसकी फिक्स लंबाई यहाँ 15 इंची रहेगी इस तरीके से, और 1 इंची का हम मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने इसको 16 इंची में लगा लिया है। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने टॉप भाग की ऊपर वाला हिस्सा निकाल लिया है। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो इसे हम उल्टा कर लेते हैं कपड़े को। तो इस तरीके से हमने इसे उल्टा कर लिया है। अब हम इस पे मार्किंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर मार्क लगाएंगे। तो इसका शोल्डर मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है। अब आर्मोल लगाएंगे। 6.5 पे मैंने आर्मोल लगाया है। लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम चेस्ट लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे 34 इंच है। 34 का 4th भाग होता है 8.5। तो 8.5 पे हम मार्क लगा देंगे। ये हमारा 8.5 हो गया। और जो ये हमारा 1.5 या 2 इंची है वो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब कमर मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी 28 है। तो यहाँ पे 4th भाग हो गया 7 इंच, और 1.5 इंची का हम मार्जिन ले लेंगे। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे। अब आर्मोल की गोलाई देंगे। तो जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ कर लेंगे। तो ये 6.5 है तो 1.25 इंची पर हम मार्क लगाएंगे और यहीं से हम राउंड दे देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक मार्किंग हम दोनों को अलग करने के बाद लगाएंगे। इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट को काट लिया है। अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल देंगे, फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के आर्मोल की आगे से थोड़ी सी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको 1/2 इंची और निकाल देंगे। इसके बाद हम नेक कटिंग करेंगे। तो नेक मैंने यहाँ पे 2.5 इंची चौड़ाई ली है। 5.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो कोर बॉक्स बना लेंगे और इसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहो तो इसमें कोई और डिजाइन भी दे सकते हैं। राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। वही 2.5 इंची चौड़ाई लेंगे, लंबाई लेंगे 3 इंची, चौकोर बॉक्स बनाएंगे, राउंड बना देंगे। यहां से हम इसमें एक हल्का से डिजाइन का शेप दे देंगे बैक पार्ट में। जिस टॉप को मैंने वीडियो में आपको दिखाया है उस टॉप में फ्रंट में ये वाली डिजाइन है, लेकिन मैंने इसको चेंज करके बैक में कर दिया है क्योंकि फ्रंट में मैंने यहाँ पे पोटली बटन यूज किए हैं। तो इस तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हम बैक पार्ट में ये कट दे देंगे। तो इस तरीके से हमने टॉप भाग के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट काट के कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरीके से अब हम इसमें नीचे के टॉप के घेरे को निकालेंगे। तो वही स्टाइल में हमने इसे बिछा लिया है जैसे कि हमने टॉप निकाला था, तो इसे भी हमने डबल में बिछा लिया है। अब हम इसकी घेरे की लंबाई की नाप लगाएंगे। तो ये पूरा टॉप हमारा 28 इंची बन के तैयार होगा। तो इसे हम 15 इंची में काटेंगे क्योंकि फोल्डिंग में भी जाएगा
और जो हम टॉप जॉइंट करेंगे तो स्टिचिंग में भी जाएगा। तो इसे हम 15 इंच की लंबाई में ले लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 15 इंच का मार्क लगा दिया। अब इसको हम यहीं से डबल कर लेंगे, एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 15 लगा लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लेंगे क्योंकि कपड़े में कभी कभी कान भी आ जाती है। इसकी ये हमारी लंबाई में 4 फोल्ड हो गई है। तो इसकी रिबन कट कर लेंगे यहीं से, बीच में से यहां से भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से एक घेरा तो हमारा इसका बन जाएगा, दूसरा घेरा हमारा इस तरीके से इसका बन जाएगा। तो ये दोनों घेरे हमने कट कर लिए हैं, अब इन्हें हम अलग कर देते हैं। सिवाय कट करेंगे हम स्लीव्स, इसके लिए भी हमने ये 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है, इसको 4 में फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स कट करेंगे तो ये इधर हमारा खुला हुआ भाग है, इधर फोल्डेड भाग है। तो जिधर हम फोल्डेड भाग है उधर से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच की लंबाई ले ली है, हमारी फिक्स रहेगी। और 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है दबाने के लिए और स्टिचिंग में भी चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कट करके अलग कर देंगे। अब स्लीव्स सेव देंगे हम। देखिए ये 4 फोल्ड में है तो ये 11 इंची में है और हमें लेना है 7 इंची में, क्योंकि आर्मोल हमने 6.5 इंची में काटे हैं। तो आर्मोल से हमारी स्लीव 2 इंची या 1.5 इंची ही एक्स्ट्रा होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 8.5 इंची में इसकी कटिंग करूंगी, 8.5 इंची हम यहाँ पर ले लेंगे, बाकी का कपड़ा हमारा काम आ जाएगा। ये हमारी 8.5 इंची हो गई, ये वाला साइड वाला कपड़ा हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ से ऊपर से हम 3.5 इंची का मार्क लगाएंगे, यहाँ से ही हम स्लीव्स की सेव दे देंगे। अब मोहरी की नाप लगाएंगे, तो मोहरी यहाँ पे 5 इंची है, हमारी 5 इंची फिक्स हो गई। 1.5 इंची हम इसमें मार्जिन ले लेंगे, यहीं से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह हम शेप देते हुए इसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये हमारे दोनों घेरे हो गए टॉपर के और ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हो गए। अब हम फ्रंट पार्ट में बीच में से कट लगा देते हैं, यानी इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। नेक के सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पोटली बटन लगाने वाले हैं। अब हम इसे सिलना चालू करेंगे। तो देखिए जो स्लीव्स मैंने कट करी थी उसमें से जो साइड पट्टी बची थी उसमें से हम बीच में से 2 पट्टी निकाल देंगे। देखिए ये सीधे में हमारा रखे हुए हैं, अब दोनों पट्टी हमने कट कर लिए, इसके ऊपर हम पट्टी रखेंगे, दोनों के ऊपर हम ये दोनों पट्टी रखेंगे और इसे यहाँ से सिल देंगे। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे सिल लिया है, उल्टी में मैंने सिला है इसको। अब हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से हम दोनों पट्टियों को फोल्ड कर देंगे और हमें किनारे से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके सिल दिया है। अब हम एक और स्ट्रिप लेंगे, 3-3.5 इंची की हम ले लेंगे और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और उसे हम सीधे में पलट लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है, अब हम इसे सीधे में फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको तरीके से रखेंगे और जो लेफ्ट वाला भाग है इसके ऊपर अटैच कर देंगे, तो इस सिलाई कर देंगे। तो देखिए इसे मैंने पट्टी पे अटैच कर दिया है। अब हम राइट वाला पार्ट लेंगे, उसे भी हम इस पर अटैच कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो पोटली बटन बनाए थे लगाने के लिए वो हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे इसके नीचे रखते जाएंगे जितनी दूरी पे आप लगाना चाहते हो, इसके नीचे रखते जाएंगे। तो सभी पोटली बटन को हम रख लेंगे और फिर इस पे सिलाई कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से पट्टी को रखते हुए पोटली बटन इसमें अटैच कर दिए हैं। अगर आपको ये पोटली बटन सीखने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सीख सकते हो। तो इस तरीके की 2 तिरछी पट्टी ले लेंगे हम, जितनी हमें गले में लगेगी, और दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे, इन्हें तिरछी ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद हम इसे यहाँ से उल्टी में अटैच करेंगे इसे। तो पूरे में हम इसे उल्टी में लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे उल्टी में लगाया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, छोटे छोटे राउंड पे कट लगा देंगे।
उसके बाद हम इसे तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ किनारे पे पाइपिंग के किनारे पे हम इसमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे। तो यहाँ किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम एक और पट्टी बना लेंगे लंबी, और जो हमारा बैक पार्ट है ये वाला, इसमें हमने पीछे थोड़ी सी ये पत्ती वाली डिजाइन दी है, तो इसको भी हम उल्टे में रखेंगे इस तरीके से, और वही सेम तरीके से इसे लगा लेंगे और फिर सीधे में इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी गले की पट्टी को लगा लिया है, और सेम तरीके से मैंने बैक पार्ट का भी लगा लिया है। यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप लगा के मैंने यहाँ पे एक बटन को लगा दिया है, जिससे हम इसकी इस तरीके से बंद कर देंगे। तो दोनों गले हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो हम दोनों पार्टों को लेंगे इस तरीके से, और जो पहले हम इसमें सीधे में सिलाई करेंगे, यानी दोनों शोल्डरों को हम सीधे में सिलेंगे, यानी कपड़ा हमारा सीधा रखेंगे हम, और इस तरीके से सिलाई कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसे सीधे में सिल दिया है। अब हम इसे उल्टा करेंगे, और यहाँ से अब उल्टा करके फिर से सिलेंगे। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रफ सिलाई है शोल्डर वाली, वो छुप जाएगी। अब इसको हम यहाँ से सिल देंगे किनारे से। तो इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ये ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। दोनों स्लीव्स को हम बराबर से रख लेंगे। जब हमने कटिंग करी थी तो इसमें फ्रंट भाग की कट करना हम भूल गए थे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिर्फ फ्रंट भाग से कट कर लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट भाग की कटिंग कर ली है। दोनों को हम बराबर से रखेंगे, सेंटर पॉइंट पे कट लगा देंगे इस तरीके से, एक को अलग कर लेंगे। अब जो हमारा फ्रंट भाग है वो वाली स्लीव ले लेंगे, फ्रंट भाग की जो कटिंग है स्लीव की उसको रखेंगे इस तरीके से, सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे और स्लीव ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। हम स्लीव को लगा देंगे, और सेम तरीके से हम दूसरी वाली भी लगा देंगे। इस तरीके से मैंने स्लीव को भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्लीव को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे। तो इसे हम नीचे इसको फोल्ड करके बॉटम को बना लेंगे, दोनों स्लीव्स में इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से दोनों स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब इसके घेरे को लेते हैं। तो ये हमारा घेरे वाला पार्ट है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इतनी जगह छोड़ेंगे हम जितनी हमारी, यानी हमने यहाँ पे जो कमर की नाप लगा रखी है ये इतनी जगह हम यहाँ से छोड़ देंगे, यानी साइडों में हम इतनी जगह छोड़ेंगे, दोनों साइड पे हम इतनी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी सिलाई में जाएगी। और जो हमारा बीच का कपड़ा है वहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ इतनी दूरी पर जो 5 नंबर की सबसे मोटी वाली सिलाई होती है वो सिलाई डाल देंगे इसमें यहाँ तक। तो ये सेम तरीका हमें दोनों पार्ट में करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने किनारे किनारे पर एक मोटी सिलाई दे ली है, और इसका जो एंड वाला धागा है हमें थोड़ा लंबा रखना है। अब क्या करेंगे, इस धागे को खोल लेंगे इस तरीके से, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक धागे को पकड़ेंगे हम और इस तरीके से इसे खींचते जाएंगे। इस तरीके से हम धागे को खींच के इसमें प्लीट डाल लेंगे, दोनों पार्ट में हम इसी तरह कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने छोड़ा था उसे हम प्लेन ही रखेंगे, यहाँ पे कोई प्लेट नहीं डालेंगे, यहाँ तक हम इसे खुला रखेंगे दोनों साइड में, बराबर बराबर कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, टॉप के बॉटम भाग को लेंगे इस तरीके से, और इसे इसके ऊपर रख के इसका बराबर कर लेंगे। आप चाहो तो इस पर प्रेस करके भी इन्हें दबा सकते हैं। इस धागे को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, यहाँ मतलब गांठ लगा देंगे एक, ताकि ये हमारी जो प्लेट है और सरके ना। तो इस तरीके से हम अपने घेरे को बना के तैयार कर लेंगे। सेम तरीका हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने कच्चा कर रखा है सिलाई देके, तो उसकी भी हम धागे के दोनों भागों में से निकाल के इसे भी खींच के तैयार कर लेंगे। तो देखिए दूसरे पार्ट को भी मैंने इसी तरह वो खींच के प्लेटें डाल ली है, और सेम नाप कर लेंगे। ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब यहाँ पे भी हम इसे गांठ लगा के रोक देंगे धागे को, ताकि ये सरके ना इधर उधर। हम इन पे टॉप का बॉटम भाग रखेंगे और इस तरीके से सिलाई कर देंगे। बैक पार्ट को भी इस तरीके से सिल देंगे, और फ्रंट पार्ट को भी हम सिल देंगे। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है टॉप के बॉटम भाग से, और ये बैक पार्ट को भी कर दिया है इस तरीके से।
अब हम यहाँ पे जो हमारे फिटिंग वाला नाप है जो स्लीव से लेके हम नीचे तक इसे सिल देंगे, घेरे के बॉटम भाग से लेके और स्लीव तक हम इस जो हमने मार्क लगा रखा है फिटिंग वाला वहीं से एंड तक सिलाई कर देंगे। दोनों साइड पर हम इसी तरह सिलाई कर देंगे। उसके बाद नीचे का जो घेरे का जो बॉटम भाग है उसे भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने स्लीव्स को फोल्ड किया था थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसको साइड में से सिल के कंप्लीट कर लिया है और स्लीव्स में मैंने वो लेस लगा ली है जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको इस तरीके से। और नीचे से जो मैंने घेरे को फोल्ड कर लिया है थोड़ा सा यहाँ पे हमने खुला छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे भी हम ये लेस लगाने वाले हैं तो एक बार फोल्ड कर लिया है तो इस लेस को किस तरीके से लगाना है यानी इसके हम इस तरीके से रखेंगे किनारे किनारे पर इसकी सिलाई करते जाएंगे तो ये नीचे पूरे घेरे में लग के तैयार हो जाएगी। इसी तरह मैंने स्लीव पे लगाई थी। स्लीव पे मैंने इसलिए लगा ली क्योंकि फिटिंग यहाँ से शुरू किया था मैंने तो इसलिए हम इसको लगा के भी तैयार कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर टॉप बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने पॉम पॉम वाली जो लेस लगाई है वो इसमें कितनी कॉम्बिनेशन के साथ कितनी अच्छी लग रही है। तो जो हमने आपको पैटर्न बताया था वीडियो में वही पैटर्न के हिसाब से हमने इसे बनाया है। बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर दिया है कि हमने यहाँ पे पोटली बटन लगाए हैं और सेम तरीका है। और बैक साइड में भी देखिए बहुत अच्छा बना है। आप भी ट्राई कीजिए बना के और आपको मेरा ये टॉप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो सीखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में।